कुमारवी विधानसभा में पूर्व धूमल सरकार में खादी ग्रामोद्योग निदेशक रहे विक्रम शर्मा ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बिगुल बजा दिया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने कुमारवी में युवा संकल्प रैली के माध्यम से की है। हम आपको बताते चले, विक्रम शर्मा भाजपा संगठन के विभिन्न अहम पदों पर पूर्व में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का विक्रम शर्मा को आशीर्वाद रहा है। कुमारवी में आयोजित संकल्प रैली में इसी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से युवा पहुंचे व इस रैली में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में सेवानिवृत्त कैप्टन भाग सिंह द्वारा विक्रम शर्मा का जीवन परिचय आए युवाओं के समक्ष रखा व किस तरह पिछले 25 वर्षों से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाकर कुमारवी की सेवा कर रहे हैं, इस बारे विस्तृत जानकारी दी। उसके उपरांत विक्रम शर्मा ने अपने संबोधन में एक और पूर्व प्रदेश कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा तो वहीं पर दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री राजेंद्र गर्ग से युवाओं को झूठे प्रलोभन देकर सत्ता काबिज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि क्या युवा केवल राजनीति के लिए हैं? सिर्फ अपने कुछ चहेतों को रोजगार देकर आंकड़े बताने का काम इन नेताओं का रह गया है। चुनावों से पहले हर एक युवा को रोजगार देके की बात करने वाले अब सत्ता सुख मिलते ही सब कुछ भूल गए, परंतु अब चुनावी वर्ष शुरू होते ही दोबारा युवाओं को प्रलोभन देकर उनको प्रभावित करने का कार्य शुरू होने वाला है। अतः इस बार किसी प्रलोभन में ना आकर इन राजनीतिक दलों को युवा शक्ति का लोकतंत्र में क्या महत्व है बताने का समय आ गया है। विक्रम शर्मा ने कहा कि युवाओं को हमेशा वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने वालों को इस युवा संकल्प रैली के माध्यम से ये संदेश है कि पूरे हिमाचल प्रदेश का युवा अब जागृत हो चुका है और लोकतंत्र के पर्व में नेताओं को अपनी ताकत भी दिखा देगा। हर जगह कोरी घोषणाओं को करके सत्ता में ज्यादा दिन तक नहीं रहा जा सकता। जब तक जमीन से कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती रहेगी तब जनता सबक सिखाने के लिए तैयार रहेगी। इस अवसर पर विधानसभा से आए विभिन्न क्षेत्रों से आए युवाओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी व आने वाले विधानसभा चुनावों में युवाओं का सहयोग भी मांगा। इस मौके पर ब्लॉक समिति सदस्य राजेश शर्मा, सतीश ठाकुर, भाग सिंह, हरिया राम, सतीश शर्मा सहित युवा उपस्थित हुए। आज कुमारवी में हमने युवा संकल्प समारोह का आयोजन किया। इस युवा संकल्प समारोह में हमने युवा शक्ति के साथ ये शपथ ली है। युवा शक्ति के साथ हमने आज एक प्रण लिया कि कुमारवी विधानसभा क्षेत्र के अंदर नेताओं के द्वारा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो या हमारे वर्तमान में वो मंत्री हो, एक जो तानाशाही रवैया इन लोगों ने अपनाया है, हम इनका डटकर विरोध करेंगे, कुमारवी की आवाज को बुलंद करेंगे। 5 साल के बाद जब विधानसभा के चुनाव आते हैं, विधानसभा के चुनावों में ये लोग अपने घोषणा पत्रों में कई तरह के वायदे करते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग सत्ता हासिल करते हैं उन सभी वायदों को भूल जाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, जनता को धोखा देते हैं, और जो जनता को धोखा देगा निश्चित रूप से हम उसको समाजद्रोही का नाम देंगे। हमने ये तय किया युवा शक्ति के साथ कि 2022 का विधानसभा का चुनाव हम निश्चित रूप से लड़ेंगे। वैसे हम देखते आए हैं कि आज तक राजनीतिक दलों ने ही यहां पर नेता बनाए, लेकिन इस बार कुमारवी की जनता नेता बनाएगी, ये मैं कहना चाहता हूं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर कुठेड़ा से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा,
गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।